पुजारा ने धमाकेदार पारी खेलकर ब्रायन लारा को भी छोड़ा पीछे, क्या टीम में होगी वापसी? नमस्कार, मैं हूँ शिवानी। चक दे क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारतीय क्रिकेट के टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कमाल कर दिया है। खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी 2024 में छत्तीसगढ़ के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रिकेट जगत में एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। इस मैच में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी कौशल का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए दोहरा शतक जमाया और इसके साथ ही उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास करियर का 67वां शतक पूरा कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ ही उन्होंने वेस्ट इंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक फर्स्ट क्लास शतकों की सूची में स्थान बना लिया है। पुजारा ने ब्रायन लारा को पछाड़ा। पुजारा ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ 234 रन बनाकर न केवल दोहरा शतक बनाया बल्कि इस शतक के साथ उन्होंने 21,000 से अधिक फर्स्ट क्लास रन भी पूरे किए। यह उपलब्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी ब्रायन लारा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 65 शतक बनाए थे। अब पुजारा इस सूची में केवल 3 भारतीय बल्लेबाजों से पीछे हैं, राहुल द्रविड़ जिन्होंने 68 शतक और सचिन तेंदुलकर एवं सुनील गावस्कर जिन्होंने 81 शतक जड़े हैं। घरेलू क्रिकेट में लगातार उत्कृष्टता। पुजारा का फर्स्ट क्लास करियर बहुत ही प्रभावशाली रहा है। उन्होंने कई मौकों पर सौराष्ट्र के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए 2017-18 रणजी ट्रॉफी में उन्होंने केवल 4 मैचों में 437 रन बनाए थे। इसके अलावा 2019-20 रणजी ट्रॉफी में उन्होंने अपने 50वें फर्स्ट क्लास शतक का भी जश्न मनाया। वह अब तक 67 शतक और 21,000 से अधिक रन बना चुके हैं। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पुजारा चौथे स्थान पर हैं, जहां सुनील गावस्कर 25,834 रन, सचिन तेंदुलकर 25,396 रन और राहुल द्रविड़ 23,794 रन से आगे हैं। उनका यह प्रदर्शन यह दर्शाता है कि वह घरेलू क्रिकेट में कितने सक्षम और प्रभावशाली बल्लेबाज हैं। टेस्ट टीम में वापसी का इरादा। हालांकि वर्तमान में पुजारा भारतीय टेस्ट टीम से बाहर चल रहे हैं, उन्हें हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में जगह नहीं मिली, लेकिन उनका हालिया प्रदर्शन यह साबित करता है कि वह टीम में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने पहले कहा था कि वह अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और रणजी ट्रॉफी में अच्छे प्रदर्शन के माध्यम से टीम इंडिया में वापस आना चाहते हैं। पुजारा का दोहरा शतक और 21,000 रन का आंकड़ा उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उन्होंने अपने खेल में निरंतरता और उत्कृष्टता का परिचय दिया है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह भारतीय टीम में वापसी करने में सफल हो पाएंगे। उनकी मेहनत और समर्पण से यह संभावना बनी हुई है कि वह जल्द ही भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इस प्रकार चेतेश्वर पुजारा ने अपने फर्स्ट क्लास करियर में एक नई ऊंचाई हासिल की है और उन्होंने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड जोड़ा है, जिससे वह क्रिकेट प्रेमियों के बीच फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। चेतेश्वर पुजारा के इस प्रदर्शन को देखते हुए क्या उन्हें टीम इंडिया में जगह मिल पाएगी? आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। क्रिकेट के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।